नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Samsung Galaxy M34 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A25 5G में 6.34 इंच जबकि Galaxy M34 में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि Galaxy M34 में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy M34 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि A25 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि Galaxy M34 में 208 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि A25 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19:5:9 जबकि Galaxy M34 में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि Galaxy M34 में 82.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 396 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M34 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A25 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M34 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 5 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Mali-G68 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 8GB की रैम मिलती है जबकि Galaxy M34 में 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M34 में 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A25 5G में Android V14 जबकि Galaxy M34 में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी A25 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy M34 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,490 रुपीज़
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें गैलेक्सी M34 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 20,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M34 की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।